हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी बताने वाली हूँ सबके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इसे ट्राई कर सकते हो। जी हाँ, बहुत आसान तरीका है। जब आपको हेयर वॉश करना है तब इसे कर लीजिए। ऑन द स्पॉट आपको इसको बना सकते हो, कोई बना के नहीं रखना है या कोई बॉटल में भर के नहीं रखना है, कुछ झंझट नहीं है। ऑन द स्पॉट आप इसे बना सकते हो। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हेयर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, हेयर बहुत मीन्स हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर मीन्स हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं। मैंने ये सोचा है कि मैं हेयर केयर पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, आगे जाके बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत आसान है, आप सब इसको कमेंट्स कर सकते हो। जब भी आपको नहाना हो, हेयर वॉश करना हो, तो एक काम आप कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं रेमेडी बताने वाली हूँ उस तरीके से आप अगर ट्राई करोगे, अगर आप रूटीन में इसको शामिल करोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है, मैं खुद करती हूँ। तो रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत आसान है, इजी, आप कर सकते हो, सबके घर में होती है। तो आगे आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से रेमेडी की है, क्या किया है, कैसे किया है। ओके, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको 100% इफ़ेक्ट मिलेगा। और हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ और हेयर मीन्स वीक हो जाते हैं, अगर आप ऐसे भी हाथ डालोगे बालों में तो बहुत सारे लोगों के बाल हाथ में आ जाते हैं। अगर दिन में आपके 10-12 हेयर गिरते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, 100-200 आपके हेयर आपके दिन में जा रहे हैं, तो थोड़ी मीन्स चिंता की बात है। तो इसकी वजह से आपको आपके हेयर केयर पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और इस रेमेडी में बहुत मीन्स इस रेमेडी में आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, उनमें से दो मैंने सिलेक्ट की है जो आप सबके घर में होती है। और इसमें जो ऑयल मैंने यूज़ किया है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो प्लीज़ उसे देखिए, उस तरीके से ऑयल बनाइए। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए और हेयर के लिए। ओके, तो आप इसमें सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो मैं रेमेडी करने वाली हूँ उसमें सरसों का या कोलोंजिया ऑयल ही मस्ट है। ओके, तो आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखे प्लीज़ स्किप ना करें, स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, छोटा सा ही वीडियो है। चलो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ लिया है मैंने प्याज, आप कौन सा भी प्याज ले सकते हो, उसे हमें ग्राइंड करके उससे हमें जूस निकाला है। आप कद्दूकस करके भी जूस निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करके बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और आप छान के भी निकाल सकते हो। और इस तरीके से अगर आप जूस निकालोगे तो पूरा का पूरा आपका जूस निकल जाएगा। 1 प्याज इनफ है हमारे जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं आगे उसके लिए, क्योंकि हम पूरा ये जूस यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है लोरेल का ये शैम्पू, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, आप जो यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये ऑयल लिया है कोलोंजी का ऑयल, ये मैंने घर पे बनाया है और इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो प्लीज़ आप उसे भी देख सकते हैं। इसे स्किप करके आपको लेना है सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, कोलोंजी ऑयल है, कोलोंजी ऑयल नहीं है, सरसों का तेल है, तो दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है। अगर आपने आपके बालों को हेयर ऑयल करके रखा है तो आप शैम्पू ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैंने एक ही पाउच लिया है और इसमें इनफ है मेरे बालों के लिए, क्योंकि मैंने हेयर ऑयल नहीं किया है। इसमें हम ऑयल भी ऐड करने वाले, जितना ऑनियन का जूस है हम सब इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ ये तेल में एक ही स्पून डालने वाली हूँ, क्योंकि ये तेल बहुत इफ़ेक्टिव है, इतना इनफ है इसके लिए। सरसों का ऑयल भी आपको इतना ही डालना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 100% इफ़ेक्ट देती है रेमेडी। ऑयल और जो ऑनियन का जूस का जो कॉम्बिनेशन है आपके बालों को हेल्दी कर देगा, नरिश कर देगा, कंडीशन का भी काम करता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से आप शैम्पू यूज़ करते हैं डायरेक्ट आपके हेयर पे डाल के इसके लगा लीजिए, डाइल्यूट मत करिए पानी में, डायरेक्ट आप इसे हेयर पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आपके बाल सिल्की शाइनी होने के साथ साथ अगर आप इसको हमेशा यूज़ करोगे तो आपके हेयर मजबूत, काले, घने भी हो जाएंगे। 100% इफेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करना इसको।
गाइस वेलकम बैक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस तरीके से मैंने रेमेडी बनाई है, ऑनियन का जूस और ऑयल, ऑयल आप स्किप करके सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है हमें, सरसों या कलौंजी का ऑयल ही हमें यूज़ करना है। और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इससे बाल आपके स्मूथ शाइनी हो ही जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर डेली, अगर डेली मीन्स आप जब भी हेयर वॉश करते तब ऐसा करोगे तो आपके 100% बाल की ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बाल में स्ट्रांग होगे। साथ ही साथ अगर आपके वाइट हेयर है, आपके अगर ग्रे हेयर है, तो धीरे धीरे करके वो ब्लैक हो जाएंगे। मीन्स उसकी जो ग्रे रूट्स होती है, धीरे धीरे करके वो ब्लैक हो जाएंगे। ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।